नमस्कार, मैं अनीता सिंह इस कथा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से पूरी दुनिया महामारी का सामना कर रही है। जाते जाते कोरोना फिर वापस लौट आया है। परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसका इलाज, उसकी सेवा, देखभाल होती ही है। पर कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो ना सिर्फ पारिवारिक बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी उलझा कर रख देती हैं, जैसे सफेद दाग, चरक, कुष्ठ रोग। पुराने समय में इन बीमारियों को पूर्व जन्म के पाप का फल माना जाता था। तो फिर किसी पापी से कैसी सहानुभूति और कैसी करुणा। पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो निस्वार्थ भाव से ऐसे मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। आज की इस कहानी में दादी और पोती के ममता वात्सल्य भरे रिश्ते के साथ साथ इन्हीं पक्षों पर बात की गई है। दादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करती हैं। शहर में उनका बहुत नाम है, प्रतिष्ठा है। फिर ऐसा क्या होता है कि दादी, जिसके प्राण उसकी पोती में बसते थे, उसे स्पर्श करने से भी वंचित कर दी जाती हैं। क्या उनकी नाजुक सी छुई मुई पोती के साथ उनके रिश्ते को संजीवनी मिलती है? आइए सुने प्रसिद्ध तमिल कथाकार आंडाल प्रियदर्शनी की कहानी छुई मुई, जिसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर कमला विश्वनाथन जी ने। अनु, दादी को हाथ मत लगाना। बच्ची की पीठ पर पड़ी धौल पद्मावती के तन में गहराई से उतर गई। कमबख्त, कितनी बार कहा है दादी के करीब मत जाओ, उन्हें मत छुओ, उनके ऊपर मत लेटो, खोपड़ी में कुछ जाए तब ना। जिद, 3 वर्ष की है पर जिद तो देखो। क्रोध का आवेग बच्ची के सर पर एक घूंसे के रूप में पड़कर ही थमा। दर्द से छटपटाती अनु चीखती हुई रोने लगी। पद्मावती घबरा गई। उनका मानना था कि बच्चों को बेतरह पीटना, घूंसा मारना आदि पाशविक कृत्य है। वे कहती, बच्चे फूल के समान होते हैं, खुशबू बिखेरते हैं, बुजुर्गों से ज्यादा पवित्र और शुद्ध आत्मा वाले। बच्चों को देखकर कम से कम बुजुर्ग सुधर जाए, इसीलिए तो इन छोटे देवताओं को ईश्वर ने धरती पर भेजा है। पर कौन समझता है ये सब। ये देखो, रेवती का भड़कता गुस्सा अनु की कैसी दुर्गति बना रहा है। पद्मावती के मन में दुख का आवेग उमड़ने लगा। मेरी खातिर बेचारी कोमल जान मार खा रही है। गलती तो मेरी है ना, हे भगवान। होठों को भींच कर मुंह बंद कर रुलाई रोकते हुए उसने ईश्वर से विनती की और अनु जोर से रोने में असमर्थ हिचकियां लेती रही। खुश, आवाज नहीं आनी चाहिए, आंख में एक बूंद आंसू ना आए। ले, इसे खा, नीचे मत गिराना, एंड नो क्राइंग, रेवती बड़बड़ाई और कटोरी में दही भात चम्मच अनु के हाथ में पकड़ा दिया। भर्राए गले और आंखों में रुलाई को भीतर ही रोकते हुए अनु कटोरी हाथ में लेकर स्वयं ही डाइनिंग टेबल के पास जा कुर्सी खींच बैठ गई और चम्मच से भात ले बड़ी मुश्किल से खाने लगी। बेबस, लाचार, आंसू बहाती पद्मावती के मन में बच्ची को गोद में बिठाकर चिड़िया की कहानी सुनाते हुए उसके कोमल मुंह में भात डालने की इच्छा बलवती हो उठी। आपाद मस्तक तन तड़प उठा। छू नहीं सकती, छू देगी तो प्रलय मच जाएगा, ज्वालामुखी फट पड़ेगा, घर युद्धस्थल में बदल जाएगा। क्या करूं? पद्मावती कर ही क्या सकती थी। अनु ने खाना खत्म कर लिया, सिंक में कटोरी डाल हाथ मुंह धो लिया। गो टू बेड अनु, रेवती का आदेश सुनाई पड़ा। अनु बैठक में एक कोने में लुढ़क गई और बैठक के अंतिम छोर पर बने छोटे कमरे में बैठी दादी को तरसती निगाहों से निहारती रही। अनु के लिए तो दादी ही सब कुछ थी। सुबह आंखें खुलते ही दादी, अनु जग गई है, भोर की उजली मुस्कान सहित कहती, दादी दांत साफ कर दो, दादी कुल्ला करा दो, दादी खाना खिला दो, दादी गोद में बिठा लो। बस ऐसे ही दादी की छाया बन उनसे चिपकी रहती थी। सोते समय तो दादी का साथ उसे अवश्य ही चाहिए था। दादी की नरम गोद में लेटी हुई उनकी उंगली थामे एक और करवट ले, दादी गाना सुनाओ,
कहकर गाना सुनते हुए पल भर में सो जाती। ऐसा सब कुछ पहले होता था, अब नहीं होता। अब तो पद्मावती को उस छोटे से कमरे से बाहर आने की इजाजत नहीं थी और अनु को उसे भीतर जाने की सख्त मनाही थी। उस कमरे के बाहर भी किवाड़ था, बाहर निकलना हो तो वहीं से जाना पड़ता। कमरे में ही गुसल खाना, स्नान गृह, खाने की प्लेट, कॉफी के लिए ग्लास, पानी का नल, दरी, तकिया, चादर, छोटा रेडियो, पोर्टेबल टीवी सब लगा दिया गया था। उस कमरे का किवाड़ बाहर सिट आउट में खुलता था। अपने कपड़े खुद धोकर सुखाने पड़ते थे। इस स्टूल पर बैठे सड़क की चहल पहल देख सकती थी, जो चाहे करने की आजादी थी, परंतु कमरे से बाहर निकल इस तरफ आने पर प्रतिबंध था। सुबह से लेकर रात सोने तक यह 8 फीट लंबा कमरा ही सब कुछ था। केवल घर ही नहीं, जीवन कारागार बन गया था। अब तो महरी भी कमरा झाड़ने पोछने नहीं आती थी। बाहर के किसी व्यक्ति को देखे बिना महीनों गुजर जाते। मानव स्पर्श के लिए तरसते हुए कई दिन बीत जाते। अब तो स्पर्श की अनुभूति ही मिट सी गई। छप 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 अनु के अंगूठा चूसने की आवाज कानों में पड़ी। पद्मावती का मन भराया, मन हुआ कि जाकर उस नारियल के पौधे को गोद में सुलाकर उसके कटे छुटे बाल सहला दो, रोए समान कोमल एड़ियों को गोद में रख धीरे धीरे सहला दो, उस कोमल लता को भींच कर सोने का मन चाहा, पर यह कैसे संभव होता। लगा दुख से छाती फट जाएगी और पद्मावती वेदना से छटपटाने लगी। मेरी पोती है अनु, मैं उसे छूना चाहती हूं, पर उसकी छटपटाहट रेवती के कानों में नहीं पड़ी। स्पीकर फोन पर अमेरिका से लाइन, हाँ मैं बोल रही हूं, अनु ठीक तो है? और मां? मां की दयनीय स्थिति के बारे में तो मैंने लिखा था ना तुम्हें? हाँ हाँ पढ़ा था, विश्वास तो नहीं हो रहा, पर दुर्भाग्य कहो या कपट, बदबू आती है एंड आई कांट मैनेज एनीमोर, मैं उसे अबोर बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो 4 महीने में मैं आ जाऊंगा, समस्या का हल ढूंढ दूंगा, पर तब तक क्या, माँ है क्या, फोन उन्हें दो, चुप रहिए, कहने को कुछ नहीं है, बंद कीजिए फोन। रेवती क्रोध से फुफकारती हुई बच्ची को गोद में लिए बेडरूम में गई और जोर से किवाड़ धम्म से बंद कर दिया। दोबारा बाहर आई, वैसे ही मेरी कोई सहेली घर नहीं आना चाहती, होम में जाकर रहने को कहती हूं तो मानती नहीं है। क्या आप चाहती हैं कि हम लोग भी यह कष्ट भुगतें? क्यों, मैं दूसरा घर ढूंढ लेती हूं, आप इस घर में खुशी से रहिए, मैं कल ही चली जाती हूं, बस यही एक रास्ता है। दीवारों और हवाओं को सुनाते हुए रेवती बड़बड़ाने लगी। उसकी ये चिढ़ हाल में ही बढ़ी थी। पहले तो दोनों बड़े प्रेम से रहती थी, सास बहू जैसे थोड़ी रहती हैं, अपनी बेटी से भी शायद कोई इतना प्यार करता होगा। अक्सर लोग उन दोनों के बारे में ऐसा ही कहते थे। पता नहीं फिर किसकी नजर लग गई। पहले दोनों साथ साथ घर सजाती थी, नए नए पकवान बनाती थी, रेवती की काइनेटिक होंडा पर बैठ पार्क, मंदिर, प्रदर्शनी, समुद्र तट आदि सभी स्थलों की सैर करने जाती। क्लब की मीटिंग 6 बजे खत्म होगी, वहीं रहिएगा, मैं आपको वहीं से पिकअप कर लूंगी, रेवती अपनी सास से कहती और ठीक 6 बजे पहुंच भी जाती थी। होटल चलकर कश्मीरी नान खाएं सासू माँ? हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, मैं आइसक्रीम लूंगी। तीनों के तीनों अन्ना नगर के चतुरारूफ गार्डन जाती, बजाय जल्दी जल्दी खाना खाने के पौन घंटा बैठ आराम से खाते पीते। घर लौटने पर पैर फैलाकर सुस्ताते, टीवी देखते, संगीत सुनते, कैरम खेलते, खूब मजा लेने के बाद 12 बजे के आसपास सोने जाते। ये बातें पिछले जन्म की लगती हैं पद्मावती को। 6 महीने पहले शुरू हुई थी ये दुर्दशा की कहानी। नारी निकेतन की संचालिका ने उत्साहपूर्वक कहा था, हमारा यह संगठन बहुत मशहूर हो गया है, आप लोग जानती हैं ना? हाँ हाँ पत्रिका में फोटो देखी थी और इसके बारे में पढ़ा भी था। जिन लोगों ने जोश में काम शुरू किया सब किसी न किसी बहाने पीछे हट गए। परंतु पद्मावती बोली, कोई बात नहीं, मेरा बेटा विदेश जा रहा है और मेरे पास वक्त भी बहुत है, मैं करूंगी, इन लोगों की मदद ईश्वर की सेवा करने के समान है। उसने सच्ची निष्ठा से इन लोगों की सेवा की, उनके शरीर पोछना, कपड़े बदलना, उन्हें कहानियां सुनाना, उनके दर्द दूर करना,
उनको फूल काढ़ना ये सब सिखाते हुए जब इनकी मदद करने लगी, धीरे धीरे समस्या वहीं से शुरू हुई। आश्रम से घर लौटने पर बहू कहती, जाइए जाकर साबुन से अच्छी तरह नहा कर आइए, करीब आने पर तो उबकाई आती है। क्यों बेटी रेवती, मदर टेरेसा ने क्या क्या नहीं किया, इनकी मदद करने वालों को ईश्वर फूल के समान सुरक्षा करते हैं, चिंता ना कर, यह कहती और हंस देती। पर सब बेकार, सब काल्पनिक हो गया, सच तो कुछ और ही हो गया, विश्वास टूट गया। यह 8 फीट लंबा कमरा उसका सब कुछ बनकर रह गया। अब जब तक उसकी अंतिम क्रिया नहीं होती तब तक यही रहना है। इस तरह के ख्यालों के कारण दुख और तेज हो गया और इस दुख के सागर में डूबते उतराते वे सो गई। थाली में रखा भात पड़ा पड़ा सूख कर कड़ा हो गया। सीट आउट में बैठे बैठे बाहर का नजारा देख रही थी पद्मावती। सुबह की धूप, सड़क पर तेजी से भागती गाड़ियां, बिना रुके तेज रफ्तार से भागते लोग, तेजी से भागती भीड़, इनमें किसी को यह बीमारी लगी होगी? मेरी तरह क्या इनका हृदय भी विदीर्ण हुआ होगा? क्या अकेलेपन के सुने सागर में ये भी मेरी तरह डूबे उतराए होंगे? पद्मावती सोचती। बगल के फ्लैट में रहने वाला भी तो कोई नहीं आता, उसकी ओर देखकर मुस्कुराते भी नहीं लोग, क्या मुस्कुराने से भी कोई बीमारी फैलती है? पद्मावती को लगा जैसे सारा संसार सूना सूखा कहने वाला और उजाड़ हो गया, मित्र भाव समाप्त हो गया, अकेलापन, अकेलेपन की आग जी को भी जलाकर भस्म कर रही है। अपना कोई नहीं है, चारों ओर लोगों की भीड़ है, पर अपना आत्मीय कोई नहीं है, अकेलापन ही साथी है। सवेरा होते ही रेवती भी अनु को लेकर बाहर चली जाती है। रेवती ने अनु को क्रिच में डाल दिया है। अब आपको उसकी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही छोड़ाऊंगी और ले भी आऊंगी, एक दिन बेलगाम जुबान से उसने ये शब्द कहे थे। मेरी बेटी के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसे हाथ नहीं लगाएं, बस इतना ही काफी है, आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। घाव पर शूल चुभोते से लगे रेवती के ये शब्द। बच्ची है वह तो ना समझ है, पर क्या बड़ों की अक्ल भी मारी गई है? बच्ची की आपको जरा भी परवाह होती तो क्या आप उसे छू कर बातें करती? नरक की आग में भुन रही थी वे। क्या करूं, सोचने लगी पद्मावती, अगर मैं घर से बाहर निकलकर न जाऊं तो खुद घर छोड़ने की धमकी बहू दे रही है। नहीं, शायद मुझे ही चले जाना चाहिए, कम से कम बहू खुश तो हो जाएगी। 4 महीने में मेरा बेटा भी आ जाएगा, पर क्या तब तक के लिए स्थिति टाली नहीं जा सकती? इतने कम समय में कोहनी घुटने यहाँ वहाँ हर जगह उनकी नसें फूलने लगी थी और गांठ पड़ने लगी थी, उंगलियों के पोर सुन्न पड़ने लगे थे, कान का बाहरी हिस्सा फूलकर हाथी के कान जैसा हो गया था। पद्मावती का रंग तो वैसे ही गोरा था, पर इस वक्त उस पर एक विशिष्ट चमक आ गई थी। स्किन बायोप्सी टेस्ट की रिपोर्ट आज आने वाली थी, शाम 3 बजे चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नटराजन जी से मिलना होगा। बेकार बैठे बैठे जब चिड़ होने लगी तो पद्मावती डॉक्टर के पास चल पड़ी। इस संकरी गली में गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। अरे यह तो मालती की गाड़ी है। हाँ उसी की है। गाड़ी से मालती के साथ ही महिला संघ की समस्त नारियां भी उतरी, शायद महिलाओं की बैठक के लिए मुझे न्योता देने आई हैं, उनसे मिले अरसा गुजर गया। पद्मावती ने उत्सुकता भरी आवाज में पुकारा, मालती। मालती ने सिर उठाकर देखा। घर आओ ना, बात करेंगे। हाँ हाँ आऊंगी, आवाज में उपेक्षा और नफरत की साफ झलक थी। मामी ठीक तो हो, कोरस के रूप में आवाज उभरी, कई अर्थों का प्रतिरूप आवाज। किवाड़ खोलकर इंतजार करना व्यर्थ गया, मक्खी मच्छर भी नहीं फटके, और यही लोग पहले झुंड के झुंड में घर आते थे। पद्मावती की उंगलियां पहले बहुत पतली थी, फूल के समान कोमल और नरम, हाथ रुई के समान थे, अब तो मुड़ने लगी थी केवल उंगलियां ही नहीं उसकी जिंदगी भी। पद्मावती सबसे प्यार से मिलती, अपनेपन से बातें करती, आत्मीयता से पेश आती। मैं माँ हूँ, धरती के सब बच्चे मेरे बच्चे हैं,
उसका व्यवहार सबके साथ इसी तरह का होता था। कितने लोगों का रोग उसने अपने स्पर्श से दूर किया था। और रेवती उन्हें छेड़ती, अरे सासू माँ, आप सबको छूती हैं, एक दिन अछूत हो जाएंगी। मानव मानव के बीच कैसा छूत, हम जैसे ही तो हैं वे लोग भी, वही खून, मांसपेशियां, हड्डियां, सांस या भोजन। हंसते हुए पद्मावती जवाब देती, पर अब वे सभी बातें हास्यास्पद हो गई हैं। सड़क पर चलो तो अन्य लोग कुछ हटकर चलते हैं, बस में बैठो तो कोई करीब नहीं बैठता। अब जिंदगी वास्तव में बिना लोगों के हो गई है। विलग रहना ही जिंदगी बन जाएगी क्या? अपने से विलग, मित्रों से विलग, देश से विलग। चुस्त जिंदगी अब पराई सी लगती है। क्या इसे ही जिंदगी से उखड़ना कहते हैं? क्या यही नरक है? अचानक ही आज तक मन को छू सकने वाला अकेलेपन का दर्द हृदय को जैसे खरोंचने लगा। जिंदगी से कोई लगाव, कोई रुचि नहीं रह गई थी। लगता था जैसे निष्प्राण हो गई हूं। कोई नहीं था बैठकर बातें करने वाला, मिलकर हंसने वाला, हालचाल पूछने वाला, कोई नहीं, कोई भी नहीं। अनु को छूने का मन हो रहा था, गोद में लिटाकर प्यार करने का मन हो रहा था, पूरे घर में घूमने का मन हो रहा था, सारे कमरों को छान मारने की इच्छा हो रही थी, खूब स्वादिष्ट भोजन बनाने का मन चाह रहा था, पर यह तो असंभव है। सीढ़ियां उतरकर पद्मावती नीचे आई, बाहर कोने में खड़ी रही। 4:30 बज रहे थे, अनु के आने का समय हो गया था। आंखों में भर कर ले जाना चाहती थी, अनु बड़ी होकर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगी तो क्या ये लोग उसे सूचित करेंगे? दादी को पोती के लिए कुछ देने देंगे? फूल की तरह हस्ती पोती को देखने देंगे? उसका माथा चूमने देंगे? नजर उतारने देंगे? दादी, कानेटिक होंडा घर के सामने रुका। क्यों दादी, धूप में क्यों खड़ी हो? छोटी बच्ची के अबोध मन में उसके लिए इतनी चिंता। प्यारी मुन्नी, तुझे देखने के लिए ही तो खड़ी हूं, कहती हुई पास जा नजर उतारने की इच्छा हुई। तूफानी वेग से रेवती ने अनु को अपनी ओर खींच लिया। मत छुइए इसे, शेरनी की तरह रेवती गर्जी, चलो अनु अंदर। पद्मावती ने कहा, मैं होम में जा रही हूं। सच में? रेवती ने संतुष्ट नजर उनकी ओर फेरी। उफ बला टली, अब जाकर चैन मिलेगा। चलो अनु, दादी को टाटा करो। दादी, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटी। कब लौटोगी? अब दादी नहीं आएगी, रेवती की आवाज में खुशी हिलोरे ले रही थी। पर यह सुनते ही अनु रोने लगी। दादी चलिए, मुझे भी साथ ले चलिए, मैं दादी के पास जाऊंगी। हाथ छुड़ाकर जब अनु भागने को उद्धत हुई तो रेवती ने उसे कसकर पकड़ लिया। जल्दी से जाती क्यों नहीं? तमाशा करना है क्या? बच्ची को रुलाना है क्या? मरने तक आपकी ये हरकतें चैन नहीं लेने देंगी। अब तो और थोड़ी भी देर रहना पद्मावती के लिए मुश्किल हो गया। कमरे से बाहर निकल बिल्ली की तरह पंजों पर चलने पर भी रेवती को शक हो जाया करता था। आप सोफे पर बैठी थी क्या? आप रसोई घर में गई थी? बदबू आ रही है। अद्भुत जंजीरें, कभी न तोड़ सकने वाली जंजीरें। हे भगवान, अब सहा नहीं जाता, मुझे शीघ्र बुला लो। भगवान की मूर्ति के सामने पद्मावती करुड़ क्रंदन करती। अकेलेपन की नारकीय वेदना, प्रेत की जिंदगी भी इससे बेहतर होती होगी शायद। घर लौटने में 4 बज गए। स्किन बायोप्सी टेस्ट पॉजिटिव था। पद्मावती निष्प्राण शरीर लिए घिसटती हुई घर आई। ऐसी सजा क्यों? पुत्र, बहू, पोती, समाज सेवा जैसे छोटे से दायरे में निश्चिंत जी रही थी। मुझे रिश्तों की समाधि क्यों मिली? अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। घर छोड़ने का समय आ गया, परिवार से अलग होना ही पड़ेगा। किसी को मत छुइएगा, होम में जाना ही बेहतर होगा। इस चिट्ठी को रख लीजिए और आज ही भर्ती हो जाइए, डॉक्टर ने भी कह दिया था। अब चलना ही होगा। मानवीय गंध, रिश्तों की गंध, पोती की गंध से बहुत दूर। मन विचारों के सागर में गोते लगाने लगा, बुरे बुरे ख्याल आने लगे। 2 साड़ियां और ब्लाउज थैले में ठूंस लिया।
अनु की फोटो मिल जाती तो मन निश्चिंत हो जाता। फोटो तो छूने से अशुद्ध नहीं होगा ना, बच्ची की फ्रॉक मिल जाती तो अच्छा रहता। मौत के समय पोती की सुगंध मिल जाती तो उसके साथ निश्चिंत हो मौत को गले लगा लेती। जाने से पहले काश एक बार पोती अनु को देख पाती, छू पाती, चूम सकती, जन्म सार्थक हो जाता। पद्मावती बिना पीछे मुड़े तेजी से आगे बढ़ गई। मैं चलती हूं, बच्ची का ख्याल रखना। अनु की चीख बढ़ गई, दादी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी साथ ले चलो दादी। माँ के हाथ से अपना हाथ जबरदस्ती खींचकर अनु ने छुड़ा लिया और दौड़ती हुई सड़क पर पहुंच गई। दादी मैं भी आ रही हूँ, रेवती चिल्लाई, अनु रुक जा, गाड़ी आ रही है। हाथ में पकड़े थैले को झटक कर स्कूटर को स्टैंड पर खड़ा कर जब तक रेवती सड़क पर पहुंचती तब तक अनु सड़क पर दौड़ने लगी थी और उस तरफ तेज रफ्तार से कार आ रही थी। करीब आते अनु के करुणामय क्रंदन को सुनकर पद्मावती पीछे मुड़ी। अनु तूफानी विवेक से आती कार को बिना देखे दौड़ती चली आ रही थी। स्थिति की गंभीरता को समझ झपट कर बच्ची को गेंद की तरह उठाकर उसने उछाल दिया और कार पद्मावती के ऊपर से रौंदती हुई तेज रफ्तार से गुजर गई। आसपास की हवा में पद्मावती की धीमी आवाज घुल गई, अनु मेरी अनु। लंगड़ाते हुए अनु वहां पहुंची। दादी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, दादी मुझे भी ले चलो दादी। अनु सुबकने लगी, कितनी तड़प और छटपटाहट थी दादी के मन में अंतिम बार मरने के पहले इस मोती को छूने की। उस स्पर्श की गर्माहट का अनुभव कर निश्चिंत मुस्कान बिखर गई थी पद्मावती के होठों पर। दोस्तों ऐसी ही भावुक, संवेदनशील और मार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।